फरीदाबाद के नाहर सिंह स्टेडियम का खोया हुआ स्वरूप लौटाने के लिए यहां सेलिब्रिटी मैच खेला गया। इस मैच में मुंबई हीरोज ने भोजपुरी दबंग को पराजित किया। इस मौके पर सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे और नाहर सिंह स्टेडियम का पुराना स्वरूप लौटाने का लोगों को आश्वासन दिया। सीएम ने कहा कि स्टेडियम को उसकी पहचान दिलाने के लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। साथ ही सीएम खट्टर ने कहा कि बीजेपी सरकार गुड़गांव और फरीदाबाद के बीच मेट्रो चलाने पर भी विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार 21 जिलों के समान विकास के लिए वचनबद्ध है। लेकिन अब इस स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लायक बनाया जाए, इसके लिए हमने यहाँ के सभी विधायकों को और यहाँ हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं श्रीमान कृष्णपाल जी गुर्जर और भी यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी, उन सब की मिलाकर के समिति गठन करने का एक फैसला किया है। उसमें ये लोग विचार करेंगे कि इस स्टेडियम को किस प्रकार से आगे काम करवाया जा सकता ताकि अंतर्राष्ट्रीय खेलों के उपयोग का ये विषय केवल यहाँ तक सीमित रखें, क्योंकि मुझे हरियाणा के मुख्यमंत्री होने के नाते से जो मेरा दायित्व है वो पूरे हरियाणा के लिए है और सभी 21 जिलों में हम सब अच्छे काम करेंगे। हाँ, नाहर सिंह स्टेडियम से आज फरीदाबाद की शुरुआत हुई है और अच्छे काम भी फ्रांग की यहाँ है। गुड़गांव से फरीदाबाद को मेट्रो के साथ जोड़ा जाए उस पर विचार करके उसका काम।